ये आंबों का बाग बाग है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देखें। तो इधर आप लोगों ने क्या क्या चीजें कास्ट की हुई हैं? बसर लगा पे, थूम लगा पे, टिंडे, मर्चा, गोभी, कपा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो जहाँ पर रहें खुश रहें। तो गाइस आज 21वां रोज़ा है, तो अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, और जो भाई रोज़े नहीं रख रहे अल्लाह पाक उनके उनको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर आज मैं आया हूँ इधर, एक बाग है आमों का बाग, आप देख रहे हैं ये आंबों का बाग बाग है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देखें। तो इधर से मैं रास्ते से गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि इधर वीडियो बनानी चाहिए, तो मुझे ये बाग अच्छा लगा, तो मैं फिर इस बाग में इधर चला आया वीडियो बनाने के लिए। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत बाग है, आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ आपको आमों के दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। लेकिन अभी इनके ऊपर फल नहीं लगा, इनके बूर वगैरह इनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन फल इनके ऊपर अभी नहीं लगा। आपको दिखाता हूँ ये उनके ऊपर, तो गाइस मैं आ गया हूँ बाग की दूसरी तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें ना, ये भी इनका सिर्फ ये बूर लगा हुआ है, कैमरे को और ज़्यादा करीब करता हूँ, ये वाला अभी इसकी आम नहीं बने। तो माशाल्लाह देखें ये कितना खूबसूरत बाग है, तो व्यूअर हमारे साथ एक भाई भी मौजूद है, तो हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे भाई, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शान तो सुना जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मुनव्वर अब्बास। अच्छा मुनव्वर अब्बास, आप इधर क्या करते हो? आप खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, तो इधर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें कास्ट की हुई हैं? बसर लगा पे, थूम लगा पे, टिंडे, मर्चा, गोभी, कपा। तो भाई बता रहे कि इधर हमने प्याज वगैरह कास्ट किए हैं, मतलब सारी सब्जी और मिर्चे कास्ट की हुई हैं। हाँ जी हाँ जी, जो जितनी भी सब्जी है ना आप लोग इधर देख रहे हैं, ये सारी इन्होंने कास्ट की हुई है। धनिया पालक हर चीज़, सारी धनिया और पालक बता रहा भाई इन्होंने इधर कास्ट की हुई है। तो इसके अलावा और आप लोगों ने क्या इधर कास्ट किया हुआ है? तो आपने कणा कास्ट की, गन्ना कास्ट की, कपास कास्ट की, अच्छा। बहुत सी चीज़ें कास्ट की, गंदम भी, कपास। हाँ भी जी। अच्छा इधर ये कपास है? कपास है, कपास और टिंडे। तो गाय ये जो वाला देख रहे हैं इधर, उन्होंने कपास कास्ट की हुई है, और इसके अलावा सब्जी में टिंडा कास्ट किया हुआ है, जो टिंडे आप हम मतलब सब्जी में पकाती हैं। तो इधर आप दिखाते हैं आपको, अच्छा इनमें से टिंडे का कौन सा पौधा इनमें से? टिंडा, ये वाला, ये वाला जो देख रहे हैं ना गाइस, ये वाला, ये टिंडा है और ये कपास है, ये टिंडा है और ये कपास है। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इधर इन्होंने काश्तकारी की हुई है, सब्जी भी काश्त की हुई है, उसके अलावा इन्होंने इधर फसल भी काश्त की हुई है, फसल में कपास काश्त की हुई है, और इसके अलावा टिंडे वगैरह काश्त की हुए हैं। तो बाग आपको इधर सारा नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।